Hello students, good morning. Welcome to Essays Only Classes. Students, we were reading chapter 12 Kinds of Adjectives of our English language book on stone. Students, in our last video, our topic was adjective. So students included this topic adjective. We have read really the definition of adjective with its example and with its all adjective words. And students, today's our topic is exercise of adjective. Understands included this topic, exercise of adjective. Today we are going to read and solve exercise of adjective in our today's class. Okay, so all students please please partial in class and listen to my words clearly. And let's see exercise of adjective. Students, your exercise is underline the adjectives in the given sentences. Okay, underline it's mean rekhankit kariye. The adjectives it's mean visheshar In means me the given means दिए sentences it's mean vacuum. Underline the adjectives in the given sentences. It's mean दिए vacuum me. विशेषणों को रेखांकित करिए ओके स्ट्रेंड्स इन दिस एक्सरसाइज अवर वर्क इज दैट इस एक्सरसाइज में हमारा वर्क है कि जो सेंटेंसेस दिए हैं ना ये जो वाक्य दिए हैं इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स होंगे ओके okay, जो विशेषण होंगे उन्हें हमें अंडरलाइन करना है ओके उन्हें रेखांकित करना है क्लियर स्ट्रेंड लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज स्ट्रेंड्स ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग ओके इट मीन्स ये इट मीनस है आमीज एक ब्यूटीफुल मीन सुंदर इवनिंग मीस शाम इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग इट्स मीन ये एक सुंदर शाम है ओके okay? ये एक सुहावनी शाम है बिकॉज फ्रेंड्स इट इज डिस्क्राइब इवनिंग ओके क्योंकि इवनिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लियर सो ऑल स्ट्रेंड्स अंडरलाइन दिस वर्ड ब्यूटीफुल इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस क्लियर सेकेंड नंबर सेंटेंस सी वोर अलो ड्रेस ओके okay? सी मीन्स उसने वोर मीन्स पहनी वोर इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर वियर मींस पहनना वोर मींस पहनी आई मीन्स एक येलो मींस पीली ड्रेस मींस ड्रेस या पोशाक ओके सी वो येलो ड्रेस इट्स मीन उसने एक पीली ड्रेस पहनी उसने एक पीली पोशाक पहनी क्लियर इस फ्रेंड्स इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस येलो इट्स एन एडजेक्टिव बिकॉज फ्रेंड्स येलो दिस वर्ड इट्स अ डिस्क्राइब अबाउट ड्रेस ओके ये ड्रेस के बारे में बता रहा है विच इज़ अवर नाउन जो कि हमारा नाउन है ओके बिकॉज अ थिंग नेम एक थिंग का नेम है ड्रेस ओके okay? और ड्रेस uh, को डिस्क्राइब कौन कर रहा है येलो ओके तो डेट्स वाई यालो इट्स अवर एंड एज्रेक्टिव क्लियर सो ऑल स्टेंट अंडरलाइन दिस वर्ड यालो इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस स्टेंट्स थर्ड नंबर सेंटेंस देयर आर टेन पेंसिल्स ओके इट्स मीन की वहाँ दस पेंसिलें हैं ओके स्टेंड्स इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस टेन इट्स अवर एन एजेक्टिव ये हमारे एक एजेक्टिव है ओके सो ऑल स्टेंट्स अंडरलाइन दिस वर्ड टैन इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस क्योंकि ये हमें पेंसिल की क्वांटिटी बता रहे हैं कि पेंसिल्स कितनी उनके नंबर बता रहे हैं okay? ओके उनकी संख्या बता रहे हैं क्लियर स्टेंट्स ऑफ फोर नंबर सेंटेंसिस दिस स्नो इज़ वाइट ओके दिस स्नो इट्स मीन बर्फ इट मीनस है वाइट इट्स मीन सफ़ेद दिस स्नो इज वाइट इट्स मीन बर्फ सफ़ेद है स्टेंड्स इन दिस सेंटेंस व्हाइट इट्स एंड बिकॉज दिस वर्ड वाइट इट इज़ डिस्क्राइबिंग कलर ऑफ स्नो क्योंकि स्नो का कलर को डिस्क्राइब करें दैट्स वाई वाई इट्स अवर एंड एबेक्टिव क्लियर सो अल स्टैंड अंडरलाइंड दिस वर्ड वाइड इन दिस फोर नंबर सेंटेंस स्ट्रेंड्स योर फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज माई मॉम्स कार इज वाइट ओके माई मीन्स मेरी मॉम्स कार इट्स मीन माँ की कार इट मीन्स है वाइट मीन्स सफ़ेद ओके माई मॉम्स कार इज वाइट इट्स मीन मेरी माँ की कार वाइट है ओके मेरी मॉम की कार सफ़ेद है क्लियर since in this fifth number sentence white it's an adjective because since this word white it is describing the color of my mom's car maki karka color describe that's why it's a verb adjective okay so i'll underline this word white in this fifth number sentence since of sixth number sentences apples are red and pears are green okay apples it means save r means say red means lal and means or okay पीयर्स इट्स मीन नास्पाती आर मीनस है ग्रीन मीन्स हरी ओके एप्पल्स आर रेड एंड पीयर्स आर ग्रीन इट्स मीन की सेव लाल है और नाशाती हरी है ओके ग्रीन बहुत आर अवर एबजेक्टिव बिकॉज रेड इट इज डिस्क्राइबिंग कलर ऑफ एप्पल्स ओके एंड ग्रीन इट इज डिस्क्राइबिंग कलर ऑफ पीयर्स एंड स्ट्रेंड्स एप्पल्स एंड पीयर्स बहुत आर अवर नाउंड ओके दोनों हमारे नाउन्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं रेड एंड ग्रीन ये नाउन को डिस्क्राइब करें दैट्स वाइट अवर एबजेक्टिव ये हमारे एबजेक्टिव है क्लियर सो स्ट्रेंड्स अंडरलाइन दिस वर्ड्स रेड एंड ग्रीन इन दिसेंस और सेवन नंबर सेंटेंसिस वी हैव एंड ओल्ड ओक ट्री इन आवर गार्डन ओके वी मीन्स हमारे हैव मीन्स पास में एंड मीन्स एक ओल्ड मीन्स पुराना ओक ट्री इन अवर गार्डन इट्स मीन की हमारे गार्डन में गार्डन मीन्स इट्स मीन बगीचा हमारे बगीचे में ओके वी हैव एन ओल्ड ओकट्री इन अवर गार्डन इट्स मीन हमारे बगीचे में एक पुराना ओक का पेड़ है क्लियर हम या बोल सकते हैं कि हमारे पास हमारे बगीचे में एक पुराना uh, ओक का पेड़ है क्लियर इट सिंस इन दिस सेवन हमर सेंटेंस ओल्ड इट्स एन एडजेक्टिव, बिकॉज दिस वर्ड ओल्ड इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट ओक ओके इट इज़ टेलिंग एस मोर अबाउट ओकट्री क्योंकि हमें ओकट्री के बारे में और अधिक बता रहा है इसलिए हमारा एडजेक्टिव है क्लियर सो ऑल स्टेंड अंडरलाइन दिस वर्ड ओल्ड इन दिस सेवन नंबर सेंटेंस एट नंबर द कैट इज़ वेरी क्लेवर द कैट मीन्स बिल्ली इट मीन्स है वेरी मीन्स बहुत क्लेवर मीन्स चलाक द कैट इज वेरी क्लेवर इट्स मीन बिल्ली बहुत चलाक है स्ट्रेंड्स इन दिस एट नंबर सेंटेंस क्लेवर इट्स एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट कैट ओके विच इज अवर नाउन क्योंकि कैट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कैट का बिहेवियर उनका उस बिहेवियर बता रहे उसका नेचर बता रहे कैट का कि जो कैट है वो बहुत ही क्लेवर है दैट्स वाई क्लेवर इट्स एन एडजेक्टिव ओके सोलिस इन दिस एट नंबर माई पप्पी हैज बिग ब्राउन आइस ओके माई मीन्स मेरी ओके पप्पी इट्स बिन पिल्ला ओके वी कॉल डॉग्स पे वी पप्पी कुत्ते बच्चे को पप्पी बोलते हैं ओके इट्स बिन पिल्ला हैज इट्स मिन है बिग मीन्स बड़ी ब्राउन इट्स मिन भूरी आइस मीन आके माई पप्पी हैज़ बिग ब्राउन आइस इट्स मीन कि मेरे पिल्ले की ओके मेरे पप्पी की बड़ी भूरी आँखें हैं ओके इन दिस नाइन नंबर सेंटेंस बिग एंड ब्राउन बॉथ आर अवर एब्जेक्टिवस बिकॉज फ्रेंड्स बिग एंड ब्राउन आर डिस्क्राइबिंग अबाउट टू पप्पीज आइस क्योंकि ये पप्पी की आइस के बारे में बता रहे हैं ओके पप्पी की आइस को उसकी आंखों को डिस्क्राइब करें दैट्स वाई बिग एंड ब्राउन इट्स आवर एबजेक्टिवस ओके सो ऑल अंडरलाइन दिस वर्ड्स बिग एंड ब्राउन इन दिस नाइन नंबर सेंटेंस स्ट्रेंट और टेन नंबर सेंटेंसिज दे बॉट ऑफ फ्रेंच कार ओके दे मीन्स उन्होंने बॉट मीन्स खरीदी बॉट इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाई बाई मीन्स खरीदना बॉट मीन्स खरीदी आई मीन्स एक फ्रेंच कार ओके इट्स मीन फ्रेंच कार दे बॉट ऑफ फ्रेंच कार इट्स मीन उन्होंने एक फ्रेंच कार खरीदी इन दिस टेन नंबर सेंटेंस फ्रेंच इट्स एन एबजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइब अबाउट कार ओके इट इज़ अ टैलिंग टेलिंगस मोर अबाउट कर क्योंकि कार के बारे में और अधिक बता रहा है कार को डेस्क्राइब करे की जो कार है वो फ्रेंच है ओके दैट्स वाई फ्रेंच इट्स अवर एंड एड्रेक्टिव सो ऑल इज अंडरलाइन दिस वर्ड फ्रेंच इन दिस टेन नंबर नंबर सेंटेजेस आई कैन सी द अमेरिकन फ्लैग ओके आई मीन्स मैं कैन मीन सकता हूँ सी मीन्स देख द अमेरिकन फ्लैग इट्स मीन अमेरिका का झंडा ओके अमेरिकन झंडा ओके आई कैन सी द अमेरिकन फ्लैग इट्स मीन कि मैं अमेरिकन फ्लैग देख सकता हूँ मैं अमेरिकन झंडा देख सकता हूँ ओके अमेरिका का झंडा देख सकता हूँ इस टेंस इंडिया इलेवन नंबर सेंटेंस अमेरिकन इट्स एंड एजेक्टिव बिकॉज टेंस दिस वर्ड अमेरिकन इट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट फ्लैग ओके फ्लैग के बाहर फ्लैग को डेक्स टाइप करें उसके बारे में हमें और अधिक बता रहा है कि जो फ्लैग है वो कैसा है अमेरिकन है ओके सो ऑल इस अंडरलाइन दिस वर्ड अमेरिकन इन दिस इलेवन नंबर सेंटेंस ट्वेल्व नंबर सेंटेंसिस वी सॉ ए स्मॉल वर्ड ओके वी मीस हमने सा मीज देखा सा इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सी सी मीस देखना सा मीज देखा आई मीस एक स्मॉल मीस छोटा बर्ड मीस बच्ची वि स्मॉल बर्ड इट्स मीन कि हमने एक छोटा पक्षी देखा इस फ्रेंड्स इन दिस ट स्मॉल इट्स एंड एजेक्टिव बिकॉज फ्रेंड्स दिस वर्ड स्मॉल इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट बर्ड विच इज अवर नाउन जो कि हमारा नाउन है ओके okay, उसे डिस्क्राइब कर रहा है दिस वर्ड स्मॉल इट इज टालिंग अ स्मॉल अबाउट बर्ड ये बर्ड के बारे में और अधिक बता रहा है जो बर्ड है वो कैसे small है स्मॉल है ओके सो ऑल अंडरलाइन दिस वर्ड स्मॉल इन दिस टंबर सेंटेस बिकॉज दिस वर्ड स्मॉल इट्स एंड एजेक्टिव क्लियर थर्टी नंबर दे लीव इन अ कंफर्टेबल फ्लैट ओके देस वी लीव मिस रहते हैं मीज एक कंफर्टेबल इट्स आरामदायक फ्लैट मीन्स फ्लैट दे लीव इन अ कंफर्टेबल फ्लैट इट्स मीन वी एक कंफर्टेबल फ्लैट में रहते वी एक आरामदायक फ्लैट में रहते इन दिस थर्टी नंबर सेंटेज कंफर्टेबल इट्स एन एजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट फ्लैट क्योंकि ये फ्लैट के बारे में और अधिक डिस्क्राइब कर रहा है इट इज एस मोर अबाउट फ्लैट ये फ्लैट के बारे में हमें और अधिक बता रहा है और अधिक जानकारी दे रहा है जो उनका फ्लैट है वो बहुत ही कम्फर्टेबल है ओके अंडरलाइन अंड वर्ड कम्फर्टेबल इन दिस थर्टी नंबर सेंटेंस स्ट्रेंड्स योर फोर्टी नंबर सेंटेंस इज मोहन हैज ब्लू बाइक इट्स मीन मोहन के पास एक नीली बाइक है इन दिस फोर्टी नंबर सेंटेंस ब्लू इट्स एन एजेक्टिव बिकॉज इंट दिस वर्ड ब्लू इट इज डिस्क्राइबिंग कलर ऑफ बाइक इट इज टैलिंग एस मोर अबाउट बाइक क्योंकि ये बाइक के कलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बाइक का कलर कैसा है ब्लू है ये बाइक के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं और अधिक बता रहे हमें डैट्स वाई ब्लू इट्स अवर एंड एजेक्टिव क्लियर सो ऑल स्ट्रेंट्स अंडरलाइन दिस वर्ड ब्लू इन दिस फर्टी नंबर सेंटेंस एंड स्टेंट्स लेट्स सी फिफ्टीन नंबर सेंटेंस स्टेंट्स ऑफ फिफ्टी नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इच माई बुक हैज मैनी कलरफुल पिक्चर्स कलरफुल इट्स मिन रंग बिरंगी पिक्चर्स इट्स मीन तस्वीर या चिट स्टेंट्स माई बुक हैज मैनी कलरफुल पिक्चर्स इट्स मीन की मेरी किताब में कई रंग बिरंगी चिट हैं और विकल्प दैट की मेरी किताब में बहुत सारी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं क्लियर स्टेंड्स इन दिस लास्ट फिफ्टी नंबर सेंटेंस कलरफुल इट्स एन एजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग कलर ऑफ पिक्चर्स ओके ये एक पिक्चर्स के कलर को डिस्क्राइब करें इट इज टैलिंग अस मोर अबाउट पिक्चर्स ये पिक्चर्स के बारे में और अधिक बता रहा है कि जो पिक्चर्स है मेरी बुक में वो बहुत ही कलरफुल है रंग बिरंगी ओके सो स्टेंड्स इन दिस फिफ्टी नंबर सेंटेंस कलरफुल इट्स एन एजेक्टिव सो ऑल स्टेंड्स अंडरलाइन दिस वर्ड कलरफुल इन दिस लास्ट फिफ्टीन नंबर सेंटेंस ओके स्टेंट्स मैच यू आंसर्स स्टेंट्स इन दिस एक्सरसाइज आवर एबजेक्टिवस आर फर्स्ट ब्यूटिफुल एंड नेक्स्ट येलो टेन वाइट नेक्स्ट वाइट नेक्स्ट रेड एंड ग्रीन नेक्स्ट ओल्ड क्लेवर बिग ब्राउन फ्रेंच American, small, comfortable, blue, and last, colorful. Okay. So, students, we have read and solved this exercise of adjectives in our today's class. And, students, I hope you must have understood this exercise of adjectives. And you have no problem in any sentence, in any adjective word in this exercise. So, students, now I'm going to describe your class in homework. So, all students, listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that. Solve this exercise of adjective in your fair English language notebook with your best handwriting and send me your work here. इट्स अर टू डेज क्लास वर्क एंड स्टेंट टू डेज योर होम वर्क इज दैट लर्न दिस एक्सरसाइज ऑफ एजेक्टिव फ्रॉम योर फेर इंग्लिश लैंग्वेज नोट बुक इट्स अर टू डेज होमवर्क इंस्टेंट्स आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज ये सॉल्व करनी है एजेक्टिव की अच्छी अच्छी से राइटिंग में अपनी फेर इंग्लिस लैंग्वेज की नोटबुक पर और मुझे अपना वर्क सेंड करना यह आपका क्लासवर्क है एंड स्टेंट्स आपका होमवर्क है कि आपको एजेक्टिव की एक्सरसाइज लर्न करनी अपनी है अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से यह आपका होमर्क है ओके सो ऑल स्टेंट्स फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क Solve this exercise of adjective in your fair English language notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.